हाय, डीपीवी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बाइपोलर स्टेपर मोटर को L293d मोटर ड्राइवर के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो सीखेंगे। सो आइए देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बोर्ड्स, मॉड्यूल्स, सेंसर्स आप www.dpvtechnology.com से बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं। ये हम लोगों का नेमा 17 सीरीज का स्टेपर मोटर है। आप लोग दूसरा स्टेपर मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस सील के जरिए हम लोग ऐसा दो मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक मोटर इस साइड में और एक मोटर इस साइड में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये मोटर ड्राइवर सील एक मोटर को मैक्सिमम 0.6 एम्पियर करंट ही दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम लोग का मोटर को करंट चाहिए तो हम लोग एक ऐसा L293d IC इसके ऊपर ऐसे सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर में एकदम सेम टू सेम हम लोग को कनेक्ट कर देना होगा। तो एक मोटर आईसी 0.6 एम्पियर दे सकते हैं। अगर दो लगा दिया ऐसे तो 1.2 एम्पियर एक आईसी मतलब एक साइड से निकल जाएगा। तो ये साइड अगर दो लगा दिया तो 1.2 एम्पियर ये दे देगा। इस साइड में अगर एक लगा दिया तो इस साइड से भी 1.2 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये L293d मोटर ड्राइवर को ही सेंस करना पड़ेगा। दूसरा हाई करंट देने वाला मोटर ड्राइवर को यूज़ करना होगा। अगर करंट कम हो गया तो ये मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, नहीं तो ये पूरा हीट हो जाएगा, आईसी में हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे दो कॉइल रहता है और दो कॉइल से ये सार वायर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सा कॉइल से कौन सा वायर निकल के आता है। तो इसके लिए दो कॉइल से एक्चुअली एक कॉइल से दो वायर निकल जाते हैं। एक एक कॉइल में दो एन टर्मिनल रहता है तो दो एन टर्मिनल से दो वायर निकल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये पता करते हैं कि कौन सा कॉइल से कौन सा वायर आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास डाटा शीट है तो आपको डाटा शीट में मिल ही जाएगा। अगर नहीं है तो आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करना होगा। तो मल्टीमीटर के जरिए टेस्ट करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट मल्टीमीटर को ये बीप टेस्ट पोजीशन में रखना होगा, ये मल्टीमीटर नॉब को, और इसको ऐसे प्रेस करना है और ये देखिए टीट टीट आवाज़ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, किसी एक वायर को मल्टीमीटर का किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। सपोज हम लोग ये ब्लैक को ही ले लिया, ब्लैक को ऐसे कनेक्ट कर लिया और बाकी जो टर्मिनल मल्टीमीटर का तो तीनों कोण में लगाओ ऐसे ऐसे ऐसे। सपोज यहाँ पे रेड में लगाया तो कोई साउंड नहीं आया, लेकिन जब अगर हम लोग यहाँ पे लगा दिया, जब हम लोग यहाँ पे लगा दिया तो देखो यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, मतलब ये दोनों वायर सेम कॉइल से निकल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे देखे तो यहाँ पे देखे तो ये दोनों कॉइल में बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये दोनों वायर एक कॉइल से आ रहा है और ये दोनों वायर अनदर कॉइल से आ रहा है। अगर हम लोग दोनों कॉइल का वायर में देखे तो देखिए नहीं है, साउंड नहीं है। तो हम लोग श्योर हो गया कि ये दोनों वायर ये रेड एंड ब्लू एक कॉइल से आ रहा है और ये ग्रीन और ब्लैक दूसरा कॉइल से आ रहा है। अभी हमें ये मोटर को सील के साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं इस मोटर सील में दो चैनल रहता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट दो पिन है इसमें इसको M1 चैनल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है M1, और ये लास्ट दो जो पिन से इस पिन को M2 चैनल बोलते हैं। तो ये M1 है और M2 है जहाँ पे हम लोगों को ये स्टेपर को कनेक्ट करना होगा। सिमिलरली इस साइड में भी M3 ये M4 रहता है, यहाँ पे भी हम लोग और एक स्टेपर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये M1 चैनल में हम लोगों को किसी एक पेयर को, सपोज हम लोग ये पेयर लगा दिया जो रेड और ब्लू पेयर को M1 में लगा दिया तो M2 में ये अनदर पेयर को हम लोग दूसरा पेयर को यहाँ पे लगा देना होगा। तो हम लोग ऐसे लगा दिया, पहले रेड लगाया देन ये ब्लू लगाया तो ये पेयर हो गया, और M2 में ये सेकेंड पेयर ये ग्रीन और ये ब्लैक यहाँ पे M2 में लगा दिया। तो हम लोगों का अभी कनेक्शन पूरा हो गया। तो अभी हम इसको ये आर्डुइनो के साथ जोड़ देंगे, ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों का कनेक्शन हो गया है। तो अभी इसमें एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना होगा। तो हम यहाँ पे एक 9 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे। तो
तो आप दूसरा भी पावर, दूसरा बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को लगाना होगा, और बाकी ये जो जी एन डी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ये निगेटिव टर्मिनल, ये ब्लैक वाला लगाना होगा। तो अभी हम कोड को अपलोड करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई जब यूज़ करेंगे तो ये जो जम्पर है ना, जम्पर को हम लोग निकाल कर रखना होगा। तो ये मोटरशील को यूज़ करने के लिए फर्स्ट हम लोगों को एक गिट हब से मोटरशील का लाइब्रेरी डाउनलोड करना होगा। ये लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ये लिंक, यहाँ लिंक में जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड के बाद इसको अनजिप करना होगा। अनजिप करने के बाद जो फोल्डर रहेगा वो फोल्डर को हम लोग आर्डुइनो का लाइब्रेरी फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग लाइब्रेरी फोल्डर में जाएंगे अभी, और लाइब्रेरी फोल्डर में जाके ये लाइब्रेरी को, ये फोल्डर को पेस्ट कर देना है, जो अनजिप वाला फोल्डर को। अभी आप आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर को खोल लीजिए, उसके बाद ये फाइल में जाइए, फाइल के बाद एग्जांपल, एग्जांपल के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे एडाफ्रूट मोटरशील लाइब्रेरी, देन आपको ये स्टेपर टेस्ट में जाना होगा। तो ये स्टेपर टेस्ट खोल लीजिए। तो ये स्टेपर मोटर का कोड है, तो यहाँ पे आप देखिए एफ स्टेपर मोटर 482, ये 48 को 200 करना होगा, क्योंकि हम लोग जो मोटर यूज किया है वो मोटर का स्टेप पर रिवोल्यूशन 200 है। अगर आपका आपका मोटर का स्टेप पर रिवोल्यूशन अलग है तो आप ये सेंस कर लीजिए। जनरली नेमा 17 का 200 ही रहता है। तो ये जो 2 था यहाँ पे, ये 2 को 1 करना होगा, क्योंकि हम लोग स्टेपर मोटर को L293d मोटर ड्राइवर बोर्ड का पोर्ट 1 में लगाया है, तो इसलिए 1 करना होगा। अगर M3 M4 में लगाया है तो 3 करना होगा, यहाँ पे 2 करना होगा। तो ये कोड हो गया, अभी इसके बाद इसको अपलोड करना है। अगर आपको ये कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये कोड का एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, वहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टेप, ये मोटर अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे घूमने के लिए ही कोड को लिखा था। तो आप कोड को देखने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बोर्ड्स, मॉड्यूल्स, सेंसर्स आप www.dpvtechnology.com से बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं।